लाल चंदन की लकड़ी जिसके पीछे पुष्पा मूवी में इतनी मारकाट हुई, आखिर क्यों इतनी महंगी है लाल चंदन की लकड़ी और क्यों इसे लाल सोना और रक्त चंदन कहा जाता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों पूरी दुनिया में लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश के 4 जिलों में पाया जाता है। ये जिले हैं चित्तूर, कडप्पा, कुन्नूर और नेलोर। इन्हीं जिलों की शेषाचलम नाम की पहाड़ी पर लाल चंदन पाया जाता है, इसी को भारत का लाल सोना कहा जाता है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1 किलो चंदन की कीमत 25,000 से 50,000 रुपए है और एक 25 किलो का पेड़ 6 से 7 लाख रुपए में बिक जाता है। लाल चंदन की कीमत इतनी ज्यादा होने के 4 कारण है। नंबर 1, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के 4 ही जिलों में पाया जाता है और जो चीज जितनी कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। दूसरा कारण है, जापान में शामिशेन नाम के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की नेक बनाने के लिए भी लाल चंदन का प्रयोग किया जाता है। पुष्पा मूवी में शुरू में ही है। लाल चंदन की सबसे ज्यादा स्मगलिंग चीन में की जाती है। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में चीन की किंग डायनेस्टी के राजा इस लकड़ी के फर्नीचर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। लाल चंदन की लकड़ी के वे इतने बड़े दीवाने थे कि इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन के रेड सैंडलवुड म्यूजियम में अनगिनत लाल चंदन के फर्नीचर और सजावट के सामान है। लाल चंदन की डेंसिटी किसी भी लकड़ी से ज्यादा होती है, इसलिए ये पानी में डूब जाती है। जानकारों का ये मानना है कि लाल चंदन की लकड़ी की एक पहचान ये भी है कि ये पानी में डूब जाती है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण लाल चंदन का फर्नीचर जल्दी खराब नहीं होता और हजारों साल तक चलता है। इसके अलावा चीन में आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए भी पुराने समय से लाल चंदन का प्रयोग होता आया है। दोस्तों यही कारण है कि चीन में सबसे ज्यादा लाल चंदन की तस्करी होती है। हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लाल चंदन की स्मगलिंग होती है। दोस्तों लाल चंदन की सुरक्षा में 24 घंटे स्पेशल फोर्स टास्क की टीम पहरा देती है, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर स्मगलर हजारों करोड़ की स्मगलिंग हर साल करते हैं। 2015 में 10 तस्करी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए थे। दोस्तों लाल चंदन की तस्करी में हजारों लोगों का खून बहा है और इसी कारण से इसे रक्त चंदन भी कहा जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।